पता नहीं अंदर रस्सी है ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਚਲਤੀ ਨਹੀਂ अपने नाम को अपने हत्या में रख के जाओ आप अपना बंदा यहाँ बैठा नहीं है तो बहुत बैठ जाओ घर पे तो आ चुका है घर के अंदर जाने का क्या फायदा इतना पैसा लगाओ अपने जवानी और माता के हवाले से चप्पल अल्लाह नूरानी के वास्ते चप्पल नीचे रख के जाए मेरे भाई मौला अली का डर है अपनी आंखों आदमी खराब करे अल्लाह रसूल का मेरे को ख्याल करे कि अपनी आत्मा खराब ना करे चप्पल नीचे रखे नीचे रख गया चप्पल अल्लाह नबी का वास्ता चप्पल नीचे रखे तुझे आई थी तो एक ना मिनट चप्पल नीचे ਆਹ ਲੈ ਗਣੇ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ
मैं पूरी मूवी बना बस मैं को दिखाई उनके तो बना ली ना तू ना हम बहुत आगे निकल गए थे शाम नहीं हुई हम तो शाम हो गई चली नाजरीन मेरे मोबाइल को ब्रेक लग गई थी ब्रेक लगने से लगने की वजह से कुछ बातें मिस हो चुकी हाँ बातें मिस हो गई और माशाल्लाह अब ये आठवीं पारी आधी रह गई है और आधी हम पार कर लेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि ये आखिरी पारी होगी वरना हम तो थाए मर जाएंगे स्पीड लगानी पड़ेगी थोड़ी सी थक गए हो भाई YouTube पे नहीं डाल रहा मेरी वीडियो नहीं नहीं आपको कुछ नहीं देगा माशाल्लाह नौवीं पहाड़ी हमने तय कर ली है नौवीं पहाड़ी का सफ़र बहुत अच्छा रहा यहाँ पे लोग पत्थर काट रहे हैं आपको लाइव नज़र आना दिखाते हैं क्यों बैठ गए तो वो तो छोड़ो वो सामने अब स्पीड लगानी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी बहुत मुश्किल काम है भाई अब चौथी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल देख रहे हैं इस किकर को देसी किकर बोलते हैं नहीं नहीं ये दूसरा किकर है नहीं बेटा ये देसी किकर ये चाइना का किकर है भाई बेटा इधर चाइना में आ ही नहीं सकती क्यों चाइना को मना किया हुआ है अच्छा चाइना यहाँ पत्थर के घर बनाने लग जाएगी अब माशाल्लाह हम चौथी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने वाले हैं ऐसे पहाड़ आप जिंदगी पहली दफ़ा देखेंगे आधी चौथी पहाड़ी पार हो गई है और आधी रह गई है ओहो बहुत मुश्किल काम है भाई ऊपर चढ़ना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप कह रहे हो हकीकत में है तो सही ना कैसे चढ़ेंगे ऊपर और ये ओहो ये क्या खाओ चने बाद में खाएंगे हम माशाल्लाह देखें दो पहाड़ियों के दरमियान एक मस्जिद बनी हुई है नाजरीन हम उसके ऊपर उसके पास चले जाएंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में यहाँ पे भागेंगे तो खतरा हो सकता है जान को नहीं होगा लातों को जहान को होगा पूरे जान को ही आपकी
पंजाबी में घुस जाती है। इतना मुश्किल काम नहीं है। नाज़रीन देखें, दो पहाड़ियों के दरमियान एक मस्जिद और तीन चार ढाबे। यहाँ लोगों को बोलेंगे नमाज पढ़ो, और नमाज तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सुकून कंट्रोल, बस इंशाल्लाह हाथ खुला होता है तो लिफ्ट भी लगा देंगे। अभी फ़िलहाल पार करते हैं। नाज़रीन पीछे दिखाते हैं कितनी ऊंची है। ओह देखिए पत्थर ना आ जाए। उसकी भी ले पोड़ रही की। चौथी पहाड़ी हम पार करके नीचे आ गए हैं माशाल्लाह। इसमें आपका क्या ख्याल है? मेरा तो यही ख्याल है कि मेरी पिक्चर मोबाइल में नहीं आ रही, मुझे थक लग रहा है। नहीं आ रही है। खूबसूरत ढाबा, इसमें लोग एंजॉय करने आते हैं और खाना भी खा के जाते हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये चौथी पहाड़ी के दरमियान ढाबा है। ये लोग थक हार कर बैठे हुए हैं और खाना खाने हैं। ये आगे माशाल्लाह मस्जिद आ गई है और इसके भी आगे जाएंगे, और साथ में हमारे वसीम हैं। वसीम भाई है, पहले वसीम था, अब भाई हो गया है। वसीम भाई है, अब थक गया ना भाई बन गया, हालांकि पहले बहुत शरीफ इंसान था ये। माशाल्लाह ये मस्जिद देखे माशाल्लाह नाज़रीन। हम आपको इसका अंदरून हिस्सा तो नहीं दिखा सकते क्योंकि इसकी कुंडी लगी हुई है। और नाज़रीन ये देखिए कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला की कुदरत, और ये नीचे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में दरख्त में वादियाँ। आपकी कमेंट्री कुछ सही नहीं हो रही, आप अपनी कमेंट्री को सेट कीजिए जाए। मैं जैज़ में लगा हुआ नहीं हूँ, जो मैं आपको कमेंट्री से बताऊँ। तेरे जैज़ वाले भी लितर मारेंगे। माना कि आप 103 FM सुनते हैं, उस FM पे सिर्फ बकवास होती है। नाज़रीन हमारे बंदे जो हैं थक गए, वो बहुत पीछे रह गए हैं, अब कुछ बंदे आगे हैं, बल्कि सारे आगे हैं। अब भाग कर ऊपर जाना पड़ेगा। नाज़रीन ये दो पहाड़ियों के दरमियान का हिस्सा है। अब वसीम अरे अभी तो तू चढ़ा था लड़के है, अभी तो चढ़ना है आगे। अभी तो वो वहाँ ऊपर तक ऐसे ही है, इससे आगे जाना है। कितने घंटे का तीन पहाड़ियाँ पार करके वाले बैग 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 कड़े वाले बाबा पे चश्मा। उस्मान मजा आ रहा है चढ़न का, मजा आ रहा है। बैर वेख तेरे किन्ने घस गए। साग देखो जे
तो तू दे दे बता मुझे आप अभी मार्केट निकालूं।